हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीआर फैशन। और इस वीडियो में मैं आपको प्रिंटेड फैब्रिक के लिए बहुत सुंदर स्लीव डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 3x3 के ये स्क्वायर फैब्रिक्स लिए हैं। ये फैब्रिक मैंने पिंक कलर का लिया है क्योंकि ये कपड़ा इस प्रिंटेड कपड़े के साथ मैच कर रहा है। और स्लीव को मैंने पहले से कट करके रखा है, तो अब इस स्क्वायर पीसेस से मैं स्लीव पे डिज़ाइन बनाऊंगी। स्लीव को मैंने सीधी तरफ से रखा है, उसके बाद मैं ये स्क्वायर फैब्रिक ले रही हूँ और फैब्रिक को मैं इस तरह मोड़ रही हूँ और फिर से फैब्रिक को एक बार मोड़ना है। इस तरह से फैब्रिक ट्रायंगल बना लेना है और फिर स्लीव की मोहरी की तरफ से इस फैब्रिक ट्रायंगल को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद फिर से फैब्रिक ट्रायंगल बनाएंगे और फिर पहले वाले ट्रायंगल के बाद इसे रख के इस पे सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक ट्रायंगल को इस तरह आगे रखते जाएंगे और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। फैब्रिक ट्रायंगल को कपड़े में स्टिच करने के बाद मैंने ये कपड़े की पट्टी ली है। कपड़े को एक साइड से मैंने मोड़ लिया है और इस पट्टी को इस तरह से स्लीव पे रखकर इस पे सिलाई लगा लेंगे। पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद हमें इस पट्टी को उल्टी साइड पे मोड़ना है और फिर हमें यहाँ किनारे से सिलाई लगाना है। मैंने पट्टी को उल्टी साइड पे मोड़कर सिलाई लगा ली है और उल्टी साइड से पट्टी में तुरपाई भी कर लेंगे। मैंने पट्टी पे तुरपाई कर ली है। इस तरह पट्टी लगाने से कपड़ा रॉन्ग साइड से भी अच्छा दिखता है और सीधी तरफ से भी कपड़े में फिनिशिंग नज़र आती है। उसके बाद मैं कुछ मोती ले रही हूँ। मैं मोतियों को इन ट्रायंगल के बीच में स्टिच करूँगी। जैसे मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में मोती लगाया है, वैसे ही मैं सभी ट्रायंगल के बीच में मोती लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सभी ट्रायंगल्स के बीच में मोती स्टिच कर ली है, तो अब ये स्लीव डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। ये स्लीव कुर्ती में लगने के बाद और भी सुंदर लगती है। आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।